हाय फ्रेंड्स, आई एम मोइन मोइन सिद्दीकी। आज मैं आपको टाइप ऑफ एमसीबी के बारे में बताने वाला हूँ, जो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ की जाती है। हाउस वायरिंग डीबी में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एमसीबीज के बारे में बताने वाला हूँ। जो ये आप सामने देख रहे हैं, ये एमसीबी टाइप ऑफ एमसीबी है। ये जो पहली है एसपी सिंगल पोल, और उसके बाजू में ये जो आप देख रहे हैं, ये दूसरे नंबर की डीपी डबल पोल, और उसके बाजू में आप ये जो देख रहे हैं फोर पोल, टीपीएन भी कहा जाता है इसे। ये फोर पोल है, ये आप देख सकते हैं। इसमें से जो ये एसपी का रेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, ये एसपी का रेटिंग है, आप देख सकते हैं इसमें 10 एम्पियर की एसपी की रेटिंग है। और ये डीपी है, डीपी की जो रेटिंग है आपको 32 एम्पियर मिलती है, ये 32 एम्पियर इसकी रेटिंग है। इस तरह देख सकते हैं आप। और आप ये फोर पोल है, फोर पोल की रेटिंग 40 एम्पियर फोर पोल की रेटिंग है, आप इसमें देख सकते हैं। ये इसे टीपीएन भी कहा जाता है, और इसे फोर पोल भी कहा जाता है, और इसे एफबी भी कहा जाता है। और ये, हाँ, पहली बात तो ये ईएलसी भी है, जो हाउस वायरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, ईएलसी भी। चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर देते हैं। अनबॉक्सिंग के बाद आप लुक देख सकते हैं, इसका लुक इस तरह लगता है। ये एसपी है, ये डीपी है, और ये फोर पोल है, ये ईएलसी भी फोर पोल है। यहाँ पे आप रिस्टार्ट बटन देख सकते हैं, और ये सब फोर पोल के रेटिंग्स दी हुई हैं। चलिए इसका विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं इसके लुक इस तरह के यूज़ होती है डीबी में। और ये जो आप पहले देख रहे हैं फर्स्ट, ये जो है हाउस वायरिंग में सर्किट के काम के लिए यूज़ की जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये 10 एम्पियर की है, इसमें सारे रेटिंग दी हुई है। यहाँ पे सर्किट के यूज़, नीचे से फेज आता है और ऊपर से सर्किट का वो लगाया जाता है। और ये वाले आप देख सकते हैं, ये डीपी है, ये फेज़ और न्यूट्रल बनाने के लिए, थ्री फेज़ को सिंगल फेज़ बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें वो नीचे से इनपुट आता है और ऊपर से आउटपुट दिया जाता है इस साइड से, यहाँ पे ऊपर से। और ये फोर पोल यानी मीटर से, जो मीटर से पावर आता है उसके लिए यूज़ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये रिस्टार्ट बटन है, और इसका रेटिंग एम्पियर सब कुछ आप नीचे देख सकते हैं। ये जो 30 मिली एम्पियर है, ये इसका कट आउट टाइम है, ईएलसीबी का कट आउट टाइम है, और इसका 40 एम्पियर की रेटिंग है, और सारी रेटिंग आप देख सकते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो मीटर से इनपुट आता है, इसमें आर वाई बी और न्यूट्रल, और ऊपर जो दिया जाता है सिंगल फेज़ के लिए बनाया जाता है, वो आर वाई बी न्यूट्रल के हिसाब से बनाया जाता है। चलिए आज इसका मैं डीबी का लुक दिखा देता हूँ, कि ये डीबी के लुक में किस तरह दिखती है। डीबी इस तरह सेट की जाती है, ये आप देख सकते हैं डीबी का लुक, ये डीबी इस तरह सेट की जाती है, डीबी में इस तरह सेट किया जाता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फोर पोल, और ये जो आर बनाया जाता है वाई बी, इसमें फोर पोल में जो है मीटर से पावर दिया जाता है नीचे की तरफ, ऊपर से जो ऊपर है ये सब, यहाँ से सिंगल फेज में पावर जाता है, जैसे ये आर वाई बी। इसी तरह इसमें सारे जो ये एसपी है, ये शॉर्ट की जाती है नीचे से। इसको शॉर्ट करने के बाद इसमें फेज दिया जाता है, और ऊपर सर्किट का आउटपुट आता है, जो सर्किट का इनपुट आता है वो ये नीचे से आउटपुट दिया जाता है। इसमें भी सेम टू सेम सब में इसी तरह किया जाता है। अब इसके बाद जो ईएलसीबी होती है, उसमें से पावर आगे ट्रांसमिट होता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, या फिर कोई भी समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट, हाँ, बिल्कुल भी कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।